इंदौर इच्छापुर हाईवे पर चलना इन दिनों वाहन चालक के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, जहां प्रतिदिन छोटी बड़ी दुर्घटना होना आम बात हो चुकी है। जबकि इन घटनाओं में शिवराज सरकार की अनदेखी से कई मामा के भांजे मौत का शिकार भी हो रहे हैं। इसके बावजूद इस चौड़ीकरण के वादों पर अब तक क्षेत्रीय विधायक खड़े नहीं उतरे हैं और न ही वर्तमान सरकार ने समस्या का निराकरण करने की अब तक कोई सुध ली है। ऐसी स्थिति में आज फिर स्थानीय एवं बाहरी जनता सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। दरअसल बड़वा नगर में जिम्मेदार अधिकारी और विधायक और सांसद के अनदेखी से एक मासूम बच्चे के जन्म लेते ही उसे देखने आ रहे उसके पिता का साया उसके सर से उठ गया है। आपको बता दें कि इंदौर इच्छापुर हाईवे पर गुरुवार को एक दर्दनाक वाहन हादसा हुआ, जिसमें एक 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सावन अपनी बाइक से अपने अन्य साथी संजय राजौरिया के साथ इंदौर से अपने बेटे को देखने आ रहा था। इस दौरान नर्मदा रोड स्थित नहर के समीप अज्ञात बोलेरो वाहन ने सावन के दो पहिया वाहन को सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें सावन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं संजय को भी गंभीर अवस्था में राहगीरों ने बड़वा शासकीय अस्पताल भेजा है। पुलिस ने मृतक के पीएम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।